हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज फ्राइडे है और अब शाम का 8 बजा है। तो हम लोग एक टेंपल में जा रहे हैं, वहाँ पे एनुअल फेस्ट चल रहा है, 3 डेज का है। तो आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग सोच रहे हैं जस्ट थोड़ा अटेंड करके आते हैं। तो हम लोग सब रेडी हो गई है, विद्या भी यहाँ पे रेडी है, तो हम लोग अब बस कुछ ही देर में निकलेंगे। पहुंच गए हैं टेंपल में। यहाँ पे सब फुल डेकोरेशन, लाइटनिंग सब किया है। ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ इडली और सांभर ब्रेकफास्ट में बनाऊँ, और टाइम भी बहुत कम है, तो सोच रही हूँ जल्दी से कुकर, प्रेशर कुकर में सांभर बना लूँ। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे इडली का बैटर मैंने पहले से ही कल प्रिपेयर करके रखा है। इसके लिए मैंने लिया है कि ग्लास का रेशियो में मैंने 2 ग्लास इडली का चावल और 1 ग्लास मैंने उड़द दाल लिया है। 2:1 रेशियो में लेना है। और इडली का चावल वो बासमती राइस में कभी बनाने का ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो कल ये मैंने भिगो के रख दिया था, 6 आवर्स तक आपको ये भिगो के रखना है। और जब हम बैटर तैयार करेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा पका हुआ चावल जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं वो डालेंगे। नहीं, अगर आपके पास वो चावल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पोहा डाल सकते हैं। थोड़ा पोहा लेकर उसे भिगो के रखिए और उसको ये चावल और उड़द दाल के साथ मिक्स कर सकते हैं, बैटर में पीस के रख सकते हैं। तो ये भी चावल का ही काम करेगा और अच्छा बैटर और भी अच्छा, कंसिस्टेंसी भी इतना रखना है बैटर का इडली के लिए। अगर आपको डोसा बनाना है यही बैटर से तो कंसिस्टेंसी और थोड़ा लूज, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरा बैटर कल बन गया था, तो अभी ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हम बनाते हैं इडली। अब मैंने इडली गैस पर रख दिया है, तो अब हम बनाएंगे सांभर। उसके लिए मैंने तुवर दाल लिया है। मैंने आधा घंटा पहले ही तुवर दाल को अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था, तो हम डालेंगे तुवर दाल। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं। पहला मैंने कुछ पीसेस सुरन का लिया है, फिर थोड़ा पम्पकिन लिया है, फिर एक पोटैटो है, कुछ लौकी के पीसेस, एक ऑनियन है, एक टोमेटो है और कुछ ड्रमस्टिक्स के पीसेस हैं। फिर 1/2 स्पून हल्दी का पाउडर डाला, टू स्पून चिल्ली पाउडर, दो छोटा पीस हींग का, कुछ करी लीव्स,
2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 पिंच मेथी पाउडर, और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। अब मैंने टैमरिंड को वाटर में मिक्स करके टैमरिंड का वाटर भी डाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाय एवरीवन, हम लोग अभी टेंपल के प्रीमाइसेस में खड़े हैं। आज सेकंड डे का पूजा है। हम लोग शाम को यहाँ पे आए हैं। ये मेरी सिस्टर है, हेलो। मेरी छोटी अनन्या भी आ गई है रेडी होकर टेंपल में अटेंड करने पूजा। यहाँ पे हम सब आए प्रोसेशन आने की तैयारी में है। विद्या भी गई है प्रोसेशन में। Bye. Bye.